अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर फाइन। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। चलिए आए, अब हम इंग्लिश का रीड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करेंगे, इसका आगाज़ करेंगे, ताकि हमारा काम बहुत अच्छा हो और हमारे काम में बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हमारी बुक का है पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 का हम आज करेंगे रिव्यू 3, ओरल कम्युनिकेशन। चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स टू मेक मोर रैमिंग वर्ड्स। रैमिंग वर्ड्स उन्होंने आपको यहाँ पे दिए हैं, आपने इन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को चेंज करना है, देन यहाँ पे आपने टू वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं जो सेम साउंड के होंगे। जैसे है मैन और यह है लॉक। आपने इनसे मिलते जुलते साउंड के दो दो वर्ड्स बनाने हैं। मैन यहाँ पे हम ठ राइट कर देंगे, ठेन एंड फैन। आप यहाँ पे कोई और लेटर भी राइट कर सकते हैं जो आपको याद हैं, जो आपको जल्दी फौरन माइंड में आ रहे हैं। जैसे मैंने मैन, ठेन एंड फैन राइट किया है। लॉक, कुक, नॉक। मैन, ठेन, फैन, लॉक, खोक, नॉक। सेकंड है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आज आपकी डायरी में रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, एंड देन ये है रैमिंग वर्ड का फर्स्ट पार्ट। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अरेंज द गिवन वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। उन्होंने यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिए हैं, आपने इनको अल्फ़ाबेटिकली राइट करना है। जैसे ए, ब, ख, ड में कौन सा लेटर फर्स्ट पे आता है? ए। उसके बाद देन आता है ब, फिर आता है ख, फिर ड। ऐसे ही आपने यहाँ पे देखना है कौन सा लेटर फर्स्ट पे आएगा और कौन सा लेटर सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। ऐसे ही आपने इसको राइट करना है। इसमें हमारा जो फर्स्ट लेटर आएगा वो है अर्ली। अर्ली यहाँ पे इस बॉक्स में हम अर्ली राइट करेंगे। देन हम राइट करेंगे फादर, देन गिफ्ट, फिर आएगा मॉर्निंग, फिर आएगा प्रेयर। इसको राइट करना है। इसको लिखने के बाद आपने दोबारा से इसको रीड करना है कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। इसको रीड करेंगे और आपने अपनी नोटबुक पे इसी को राइट करना है, और बहुत अच्छे से रिटर्न वर्क हो आपका और अकॉर्डिंग टू पैटर्न राइट करना है। और लिखने के बाद ये अपना काम लिखने के बाद आपने ए ब ख भी अपनी राइट करनी है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, और ऐसे राइट करनी है जैसे आपको क्लास टीचर ने आपको रीडिंग एंड राइटिंग सिखाई है। आपने वैसे ही इसको रीड करना है और रिटर्न वर्क भी आपने वैसे ही करना है जैसे आपकी टीचर ने आपको सिखाया है। इसके बाद हमने रीड करना है आज पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे आपकी सिलेबस में है रैबिट पोइम। आज हम इसको रीड करेंगे। ये तो आप सब बच्चों को माशाल्लाह याद भी है। रैबिट हैज़ अ हैबिट दैट इज़ वेरी क्यूट टू सी। He wrinkles up and crinkles up his little nose at me. I like my little rabbit and I like his little brother. And we have a lot of fun making faces at each other. Rabbit has a habit that is very cute to see. He wrinkles up and crinkles up his little nose at me. I like my little rabbit and I like his little brother and we have a lot of fun making faces at each other. इसको रीड करना है आपने 3 to 5 टाइम रीड करेंगे। आपको ज़ुबानी इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। आपने अपनी नोटबुक पे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को आपने राइट करना है। बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। फी अमानिल्लाह।